Assalamu alaikum. How are you? I hope you people are doing good. Today we will start our unit number six uh, from Oxford Reading Circle Book One. Its title is Old SM. Let's start reading. Words to learn, Market, Vegetables, Cabbages, Carrots, Beans, Potatoes. greens heavy tired rest jumps grass shouts goats old ahsan is at the market इसका मतलब है ओल्ड एहसन मार्केट में है ही इज बाइंग वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल्स खरीद रहा है बाइंग मतलब होता है खरीदना ही इज सिंगिंग वो सिंगिंग कर रहा है ठीक है गाना गा रहा है कैबेजेस कैरेट्स एंड बीन्स पुटेटोज एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन्स टम टी तम टी तम टी तम टी तम टम टी टम टुमेटो टम नेक्स्ट पेज ना ओल्ड एसन इज गोइंग होम अप ओल्ड एसन घर जा रहा है ही इज कैरिंग टू बैग्स वो अपने साथ दो बैग्स ले जा रहा है कैरिंग का मतलब होता है लेकर जाना द बैग्स आर वेरी हैवी बैग्स बहुत भारी हैं इट इज सनी धूप हो रही है ओल्ड एसन इज टायर्ड ओल्ड एसन थका हुआ है आई विल रेस्ट हियर सेज ओल्ड एसन ओल्ड ऐसन कहता है ओल्ड ऐसन का मतलब है बड़ा ठीक है ओल्ड का मतलब यहाँ पर बड़े को कह रहे हैं बड़ा जो आदमी है, मैन के लिए यूज कर रहे हैं ओके आई विल रेस्ट का मतलब मैं यहाँ रेस्ट करूँगा ही पुट्स डाउन द बैग्स वो बैग्स को नीचे रख देता है ही सिट्स ऑन अ रॉक वो एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता है द सन इज हॉट सन गर्म है धूप गर्म है द रॉक इज वेरी वेरी हॉट और जब जो रॉक होती है पत्थर होते हैं जहां जो धूप में रखे होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं ओ उसको क्योंकि गर्म लगता है वो उस पर बैठ जाता है ना ही जम्प ऑफ द रॉक वो रॉक रॉक पे से जम्प कर लेता है उतर जाता है ओल्ड एसन सीज अ कार्ट फुल ऑफ ग्रास ओल्ड एसन एक कार्ट देखता है जो कि ग्रास से भरी हुई होती है कार्ट क्या होती है अ की गाड़ी ठीक है लकड़ी की गाड़ी जो होती है उसको कार्ट कहते हैं जिसपे यूजली वेजिटेबल्स आर सोल्ड ओके ही लाइज अंडर द कार्ट वो कार्ट के नीचे लेट जाता है इट्स कूल हीयर यहाँ ठंडा है ठंडक है सेज ओल्ड ऐसन ओल्ड एसन कहता है कि यहाँ ठंडक है सून ओल्ड एसन इज स्लीप जल्द ही सून कहते हैं जल्दी से जल्द ही ओल्ड एहसन स्लीप सो जाता है द फार्मर कम्स फार्मर आ जाता है ही टेक्स अवे द कार्ट वो कार्ट को दूर ले जाता है टाइम पासिस कहते हैं किसान को ओके नेक्स्ट पेज वेक अप ओल्ड एहसन अप उठ जाओ एहसन उड़ जाओ उड़ जाओ द गोड्स आर ईटिंग द वेजिटेबल्स ट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं ओल्ड एसन वेक्स अप ओल्ड एसन उड़ जाता है नो 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 ही शाउट्स वो चीखता है नहीं नहीं ही हॉप्स अप एंड डाउन वो उछलता है ऊपर नीचे हॉप का मतलब होता तो है उछलना ठीक है स्टॉप 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 ही शाउट्स रुक जाओ रुक जाओ वो शाउट करता है ठीक है चीखता है जोर से जोर से बोलता है ही क्लैप्स हिज हैंड्स वो अपने हैंड्स को बजाता है क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना ठीक है तो वो ताली क्यों बजाता है ताकि गोट्स भाग जाएं नेक्स्ट पेज गो गो गोट्स ही शाउट्स वो जोर से बोलता है गो गो गोट्स गोट्स जाओ जाओ द गोट्स रन अवे गोट्स भाग जाती हैं ओल्ड एसन द वेजिटेबल्स ओल्ड एसन वेजिटेबल्स को पिकअप कर लेता है उठा लेता है ही गोज़ होम वो घर चला जाता है एक्सरसाइज ए रीड अलाउड यहाँ पर जी की साउंड पर कॉन्सेंट्रेट करना है जी की नॉर्मल साउंड होती है ग साउंड होती है ओके okay? जैसे जी फॉर गोट जी फॉर गन ठीक है ग साउंड देता है ना जी बट यहाँ पर इसकी एक अनयूजल साउंड है एक डिफरेंट साउंड है जी की ज साउंड दे रहा है जे जैसी साउंड दे रहा है ओके कैबेज एज पेज केज ठीक अब नेक्स्ट सनी यहाँ पे डबल एन साउंड बता रहे हैं कि डबल एन साउंड किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं ओके okay? किस तरह का उनका साउंड बनता है यहाँ पे जोर आता है डबल डब जब डबल एन आता है तो उस पर जोर आ जाता है सनी फनी बनी रनी ओके नेक्स्ट लाइन डबल एस की साउंड है ये किस तरह से बनेगी ये भी जोर देंगे इस पर ग्रास पास किस मिस And answers of the following questions are in the description box. okay? I noticed that many of you just watch my videos and don't subscribe. Please subscribe. Thank you. Keep smiling and stay healthy and let's meet in the next video. Bye bye, a love